जी हाँ, सफर की अंधेरी रात जब दरिंदों के साथ सामना हुआ। राजस्थान के डीग से रवाना हुआ एक भाई बेहद खुश था, जो अपनी बहनों को लेने उनके ससुराल पहुंचा। लेकिन जब देर शाम वहां से रवाना हुआ तो रास्ते में उन दरिंदों से सामना हुआ, जिन्होंने विश्वास की बिसात पर ऐसे खेल का आगाज किया कि जमाने की रूह कांप उठी। आप भी देखिए बहनों के लिए कभी ना भुलाने वाला खूनी सफर। सफर की अंधेरी रात, दरिंदों से हुआ सामना, हैवानियत की हिला देने वाली हकीकत। तीन बटा चार मई 2017 की देर रात तकरीबन 2 बजे से लेकर 3 बजे मथुरा पुलिस की फोन की घंटी घनघनाती रही, लेकिन पुलिस की नींद की खुमारी नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही बेबस उस परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर डायल किया, डायल 100 की पुलिस ने उस मौके का रुख किया जहां अनहोनी दस्तक दे चुकी थी। तो चलिए उस खौफनाक रात की कहानी तफसील से सुनाई जाए, जहां एक परिवार की खुशियां फना हो गई, बहनों से उनका भाई बिछड़ गया जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। रोती पिलकती महिलाएं, खामोश खड़े पुलिस वाले, मौके पर मौजूद पुलिस कप्तान और सफेद चादर में लिपटी एक लाश, जानकर हैरान रह जाएंगे कि मथुरा में भी बुलंदशहर के दरिंदों ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया, जिसे अभी भी जमाना अपने जहन से निकाल नहीं पाया है। सफेद चादर में लिपटी लाश उस भाई की है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहनों की इज्जत के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन बहनों की आबरू पर आंच नहीं आने दी। कल सुबह गया था साहब बच्ची को लेने ससुराल अपनी सिस्टर को, ये वहाँ से 4:30 बजे चला सर, 4:30 बजे चल के करीब 5 बजे के आसपास कोसी स्टैंड पे आ गया है। वहाँ से कोई वैन बताते हैं साहब, वैन में इसको बैठाया गया टैक्सी, भाई चलो चलो सीधे डीग चल रहे। अब इसको बैठा लिया सर, और सवारी तो उसमें थी या नहीं थी या उनकी कोई गैंग थी सर बदमाशों की, वो सब गैंग इसको वहाँ से पहले तो कामा ले गई है सर, इसको घुमाया है कामा के बाद में, फिर इसको कहा है कि भाई आरटीओ है यहाँ, मेरे को सुबह ही पुलिस ने पकड़ लिया और आरटीओ है, तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा, कच्चे रास्ते से जाऊँगा। इसको सब वहाँ से गुमराह करके और सब इसको यहाँ लाकर इसकी हत्या कर दी। राजस्थान के डीग का रहने वाला चंद्रशेखर अपनी दोनों बहनों के ससुराल पहुंचा था, जो मथुरा के कोसी इलाके के गांव चिनोरी से 3 मई 2017 की शाम रवाना हुआ, जो बस स्टैंड पर राजस्थान की बस का इंतजार कर रहा था। इसी दरमियान वहां एक प्राइवेट वैन आकर रुकी, जिसमें सवार ड्राइवर ने डीग रवाना होने का दावा किया और चंद्रशेखर समेत उनकी बहनों को वैन में बैठा लिया। लेकिन चंद्रशेखर को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो एक साजिश के जाल में शिकार की तरह फंस चुका है। मैंने उस लड़की से पूछा, बेटा क्या करते हैं आपके साथ में, तो उसने बताया भैया मेरे साथ में घटना हुई कि मैं तो सो रही थी और मेरी जी भी सो रही थी, तो मेरा भैया उस ड्राइवर ने कहीं भेज दिया, वारंटी लिया डेंजर चीज खराब हो गई तार पार वगैरह, तो वो लड़का चला गया, तो वो ड्राइवर मेरे पास आया, तो उसने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की, आता भाई को छीटा झपटी, तो मैं भैया हल्ला मचाया, तो भैया दूर से भाग के आया, तो भैया भाग के आया तो ड्राइवर ने क्या उसको देख के भैया को तो गाड़ी स्टार्ट करी और सामने उसके गाड़ी के सामने खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद में तो वो मतलब क्या है, गाड़ी शीशा सामने खड़ा हो तो हाथापाई करी, तो वो क्या शीशे में मतलब उसका हाथ लगा तो शीशा टूट गया, उसने गाड़ी तेज कर दी तो वो क्या है गाड़ी से लटक गया, तो उसने उसकी बहन ने उस भैया का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ने के बाद में ड्राइवर ने कट्टा निकाला और उसमें गोली मारी खोपड़ी में, गाड़ी को लेकर चल दिया। जहां वैन में सवार ड्राइवर समेत मुसाफिर पेशेवर अपराधी थे, जिन्होंने चंद्रशेखर को गुमराह करके कच्चे रास्ते की तरफ जंगल का रुख किया और फिर शुरू हुआ हैवानियत का वो खेल, जहां बहनों की इज्जत पर आंच आने की नौबत आई। चंद्रशेखर हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। हिम्मत करके चंद्रशेखर ने बदमाशों का विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई। वैन में सवार दोनों बहनें चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने भाई की जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगती रही, लेकिन बदमाशों ने एक न सुना। अवैध असलहे से चंद्रशेखर को भून दिया गया।
शेखर आया, शेखर ने सीधी ठाकुर के बात था बट्टे बोलो हमारी कार फूट गई, गाड़ी खरीदे नया कहीं इतने में बुलेट गावान गाड़ी वाले ने गाड़ी में बैठ वो चल रही गाड़ी कि हमने वो खींच लिया, शेखर लटक तो रहा नीचे हमने खींच लिया वो खींच गया या तुरंत गोली बिंदु के कार पर हाथ नहीं बिंदु का आपने क्योंकि लाली पर धरी ना बिंदु के कार से हम खींच के बिंदु चला दी। वारदात की रात चंद्रशेखर अपने परिवार के संपर्क में था कि वो किस रास्ते पर सवार है, परिवार भी परेशान था कि वो किस राह पर चला गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका लगते जिगर एक घिनौनी साजिश का शिकार बन चुका है जिससे संपर्क टूट चुका था। जिस वैन में वो सवार था वहाँ उसकी बहनों के साथ लूटपाट की गई, फिर आबरू लूटने की कोशिश की गई जिसका विरोध करना भाई को भारी पड़ा। लेकिन इस कड़ी में पीड़ित परिवार ने मथुरा के कई थानों की पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा कि चंद्रशेखर समेत उनकी बहनों की सुध ली जाए कि आखिर किस साजिश का शिकार बने, लेकिन मथुरा पुलिस अलग अलग कहानी रचती रही। तब तक अनहोनी अपना काम कर चुकी थी। ओ मेरे बचरा रे। सूचना मिली है एक व्यक्ति की, यहाँ बॉडी है कहते हैं इस गांव में बली गोवर्धन थाना क्षेत्र में, ये बताते हैं ये डीक का रहने वाला है, कोसी से अपनी बहन को लिवा के डीक जा रहे थे मायके से, गाड़ी में बैठे उनको कामा तक वहाँ गए, फिर कामा से लगभग 4:30 बजे अपने घर से ये वहाँ कोसी से चले थे और आज सुबह ये कहते पुलिस को सूचना मिली 4 बजे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश मिली, मौके पर पुलिस आई है जाँच कर रहा है। वैन सवार अपराधी रात भर दो शादीशुदा युवतियों को जंगल में घुमाते रहे, एक भाई की बेरहमी से पिटाई करते रहे, लेकिन किसी ने भाई बहनों की चीखती पुकार नहीं सुनी। मथुरा पुलिस सोती रही, परिवार की फरियाद सुनी गई होती, पुलिस फौरन एक्शन में आई होती तो शायद ये वारदात न घटती। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस देर से उठी, दावा इस बार भी किया जा रहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचा जाएगा, लेकिन खूनी दरिंदे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और परिवार सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि उन्हें कब न्याय मिलेगा, कब सड़क के वो शैतान दबोचे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। इंगारे इश्क और खूनी इंतकाम। इश्क में जुनूनी बन चुके उस सन की आशिक की एक ही कोशिश थी कि उसका दिल जिस लड़की के लिए धड़कता है वो उसकी जीवन साथी बन जाए, लेकिन लड़की को रिश्ता ना मंजूर था। लेकिन क्या आशिक ने माशूका का पीछा करना छोड़ दिया? यकीनन नहीं। देखिए इनकारे इश्क की आंच में जलने वाले आशिक ने कैसे खूनी खेल खेला। अस्पताल की बेड पर पड़े शख्स का नाम शेर सिंह है और उसके बगल में दहाड़ मार कर रोने वाली महिला इसकी मां। मां का रो रो कर बुरा हाल, जिस जिगर के टुकड़े से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। शेर सिंह का शरीर बेजान हो चुका है, इलाज के दौरान इसकी मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों ने शेर सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टर शेर सिंह को नहीं बचा सके। अब आपको इसी घटना की दूसरे पहलू से रूबरू कराते हैं। यह तस्वीर पूजा की है जो लहूलुहान है, यहाँ भी डॉक्टर की एक टीम लगी है। पूजा की जिंदगी बचाने के लिए हर को मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि पूजा की जिंदगी को बचाया जा सके। ऑक्सीजन के सहारे पूजा की उखड़ती सांसों को थामने की कोशिश हो रही है, उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्रयास यही है कि किसी तरह से इस लड़की की जिंदगी बच जाए। किसने मार दी थी गोली? बैठो भैया बैठो, बराबर बैठो। लड़की, लड़के ने मार दी। क्यों, क्या वजह, क्या वजह रही? बैठो बैठो, क्यों मार दी थी? किसने मारी गोली? तभी कैसे मार दी गोली? पहले तुम्हारे मारी थी, तुम लोगों के लिए हेलमेट चल रही थी क्या? प्रेम संबंध है दोनों के बीच, तो फिर क्यों मारते? एतमादपुर आगरा के गांव धौरा की है। यहाँ उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने दिन दहाड़े एक के बाद एक गोली चलने की आवाज,
आनंद बानंद की स्थिति हो गई। शुरू में तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। तब एक घर की दहलीज पर दस्तक हुई। खून से लथपथ शेर सिंह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। शेर सिंह की ऐसी हालत देखकर घर वाले सहम गए, चीख पुकार मच गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर शेर सिंह की ये हालत किसने की। आनंद बानंद में घर वाले शेर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तभी पता चला कि शेर सिंह की प्रेमिका पूजा भी लहूलुहान गांव के मंदिर के पास पड़ी है। दोनों को गोली लगी थी। पूजा के घर वालों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसे SN मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा। वहीं प्रेमी शेर सिंह की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। शुरू में तो प्रेमी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे भी SN मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहाँ भी उसकी स्थिति और खराब होती है। डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। प्रेमी शेर सिंह अपनी माशुका के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुका था, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसने दोनों की ये हालत थी। वहीं आरोप दोनों परिवार वाले लगा रहे हैं, एक दूसरे को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं भाई ने माँ बनाए जी जी को अटट्टी करे माँ पल्ला पुपा को घर ऊपर दिया नहीं, मकान पे तुम नीचे उतर के बा ने माँ बुला ले जी बातें आपसे और दूसरे बातें बड़ी लड़की से मिला हुआ वो लड़की पुपा की चुगली करती पुपा की चुगली करती ये अब सही में चुगली करती दोनों। हाँ दोनों ने गोली बेसी नहीं मारी है, हमारी लड़की थी लड़का कछु नहीं। बा को फिलहाल को गोली मारी का ताको बड़ी बागी बड़ी थे दुबा बा को संपर्क हूँ वो बात चूलही करती सो वो बात बाकी बातें मारे चाहे उताते मारे वो मारी है लड़की ताते मारी है माने वो जाके जब मोड़ा ने हमारे कहूँ देख लाए सो जाने 6 महीना पहले जाने कही के तो देखूंगा। तो ताज नगरी यानी मोहब्बत की नगरी जहाँ प्यार का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ आशिक अपनी माशुका से बेहद प्यार करता है। उसे दिलो जान से चाहता है, पर माशुका की भी मजबूरी थी। वो बे इंतहा प्यार करने वाले आशिक से शादी नहीं कर सकती थी। शायद प्रेमिका के घर वालों का दबाव उसे ऐसा नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा हो, बस दोनों के बीच यही बात थी। शेर सिंह नहीं चाहता था कि पूजा की शादी किसी और से हो, वो हर हाल में पूजा को पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन पूजा के इनकार से इतना टूट गया कि उसने अपनी माशुका की जान लेने की ही ठान ली। सबसे पहले उसने पूजा को गांव के मंदिर के पास बुलाया और एक बार फिर उसने पूजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार भी पूजा का जवाब नहीं बदला। उसके जुबान से ना निकलने की देरी नहीं थी कि आशिक शेर सिंह ने उस पर गोली चला दी। उसने तय कर लिया था कि पूजा उसकी नहीं हो सकती है तो किसी की भी नहीं हो सकती। वो उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। गोली लगते ही पूजा जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी। शेर सिंह को लगा अब पूजा के बगैर उसका जीना भी व्यर्थ है। उसके बगैर उसका जीना भी क्या जीना। माशुका को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसके जीवन का तो अंत हो गया। वहीं माशुका पूजा की हालत बेहद नाजुक है। नाथपुर में धौरा गांव पड़ता है, वहाँ ये आमने सामने जिन दो परिवारों का घर है उसमें लड़की लड़के में आपस में अफेयर चल रहा था। लड़के ने लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन लड़की ने मजबूरी जाहिर किया और उस पर असंतुष्ट होकर लड़के ने पहले लड़की को गोली मार दी और उसके बाद फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। लड़की की हालत भी नाजुक है, लेकिन अभी वो इलाज चल रहा है उसका। लड़के की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। वारदात की सूचना मिलने के बाद एतमादपुर पुलिस SN मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और मामले की पड़ताल में जुटी। प्रारंभिक जांच में शेर सिंह और पूजा के बीच संबंध बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही परिवार इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। आगे की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस वारदात की असल वजह क्या थी। शिव चौहान, आगरा, समाचार। स्कूटी पर कुत्ते के टॉयलेट करने को लेकर पड़ोसियों में कहासुनी हुई तो विवाद का हल तलाशने के बजाय कुत्ते के मालिक ने मौत का हथियार उठा लिया। और जब तक कोई सनकी पड़ोसी की सनक से बच पाता तब तक एक के बाद एक 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। तू जान ले लगा अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो ये मेरे भाइयों ने कुछ कहा भी तो चलो मेरे साथ।
गोली मार गया सबके सामने, बड़ी पब्लिक में गोली मार गया था आपको। क्या गुजरती होगी एक औलाद पर जब उसे इस बात का इल्म होता होगा कि उसके पिता को किसी ने गोलियों से भून डाला। अपनी बदकिस्मती पर अश्क बहाती रेनु जान लेने का दावा कर रही है। तो जान ले लगा अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। बदहवासी की हालत छटपटा रही है, नहीं जानती कि उसके पिता की हालत कैसी है, वो कैसे नफरती गोलियों का शिकार बने। बस उसे इतना ही तो सुना था कि उसके पिता पूरन की तबीयत खराब हुई, लेकिन जैसे उसने घर की दहलीज पर कदम बढ़ाए पर बस उसके कदम उस वक्त ठहर गए जब उसके कान तक पिता को भून देने की खबर मिली। घर पर थी, मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि मेरे पापा की यहाँ तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ से घर से यहाँ से भाग तक आई हूँ। मुझे पता चला किसी मुन्ने ने गोली मारी घर में से आगे, लेकिन मैं घर में नहीं गई थी, लेकिन मुझे यही से पता चल गया किसी ने गोली मारी है मेरे पापा को। और मैं उसके घर पे हम लोग गए थे तो उसने कहा कुमट्टे लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुमट्टे बहुत कुछ कर सकती है। तो जान ले लगा अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो, ये बस इतना बता दे रही हूँ मैं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो। किस बात में यहाँ पे मुझे ये बताया था कि कुत्ते के पीछे झड़ाई हुई है, कोई कुत्ते के पीछे हुई है। यहाँ मेरी स्कूटी टंगी थी पापा की, कहते खड़ी हुई थी, इसको स्कूटी की वजह से उन्होंने कुत्ते को तो भगा दिया, मेरे पापा पे आके घर से आके निकाल कर बंदूक लगे गोली मार दी मेरे पापा को उसने। बरेली के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते घर के मुखिया, पेशे से हलवाई का काम करने वाले पूरन, उनका बेटा विजय और भतीजा मुकेश सभी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तीनों को गोली लगी है, जिनके इलाज में जुटे डॉक्टर उन पर मंडराते खतरे को टालने की कोशिश में जुटे हैं। किसी के पेट में गोली लगी है तो किसी के पैरों में, और दूसरी तरफ परिवार रोने पर मजबूर है। जिसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, सरे बाजार एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत एक पड़ोसी को गोली मारने की खबर ने इलाके को खौफ से भर दिया। सुनकर हैरान रह जाएंगे कि गोली मारने वाला पूरन का पड़ोसी मुन्ना यादव है, जिसने महज इस बात पर नफरती गोलियों का सहारा लिया कि क्यों किसी ने उसके कुत्ते को लेकर विरोध का स्वर ऊंचा किया। अंदर पर पानी लेने आया था, पानी लेने के बाद में यहाँ पे स्कूटी पे इनके कुत्ते ने मूत दिया, तो लड़के ने पूरन के ये कही जिनको मारी गोली उनको ये बताया कि भैया ये यहाँ पे जरूर हिसाब किताब से मुतवाया करो। इसी बात पे खिसे आगे वो चले गए, तमंचा लोड करके आए, उन्हें यहाँ पे गोली चलाना अचानक शुरू कर दी। पहले उनको मारी विजय को, जिनने कही थी भैया इसको जरा संभाल के मुतवाया करो कुत्ते को, कुत्ता उनका ऐसे ही है तेज काट टूट लेता वो, और कई लोगों को काट भी चुका। थाना किला के नव दुर्गा मंदिर इलाके में स्थित जिस पूरन की हलवाई की दुकान है, वहाँ वारदात वाली रात उनकी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी थी। इसी दरमियान मुन्ना के पालतू कुत्ते ने स्कूटी पर टॉयलेट कर दिया, जिसकी शिकायत पूरन ने कुत्ते के मालिक मुन्ना से की, लेकिन मुन्ना को पूरन की शिकायत इस कदर नागवार गुजरी कि उसने ना आव देखा ना ताव, घर में रखा तमंचा उठा लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद में फिर पूरन भैया उठे बचाने के चक्कर में समझाने के, लेकिन उनको भी गोली मार दी, दो गोली लगी उनके, और विजय को तो विजय भी गिर गया। उसके बाद भतीजा बैठा था सामने मुकेश, उसके गोली मारी इन्होंने। एक बुड्ढल थे साहूकार के छत्ते में, उनके भी चारों टांग को गोली पड़ी, उनका भी खून पड़ा दिया, चार जनों गोली मारी साहब उन्होंने। कितनी गोलियां चलाई उसने साहब? सात गोली चलाई। अकेला था साहब, कोई नहीं था, एक 12 बोर के तमंचे से बाद में फायर करके सीधा भाग गया।